हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निधि चौधरी, मैं आई हुई हूँ अपने इन लॉज के यहाँ पे। ठीक है, मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे भी है, सो उसके लिए भी कुछ शॉपिंग करनी है और मुझे भी कुछ एक दो चीज़ें लेनी हैं, तो वो भी काम निपटाना है। और काफ़ी बोर हो रहे थे तो सोचा कि क्यों ना आ जाए, थोड़ा गेट टुगेदर हो जाएगा, मिलना जुलना हो जाएगा। शमिश और बोरिश दोनों यहाँ पे हैं, दोनों ने हंगामा मचाया हुआ है बहुत गज़ब वाला। एक को संभालो तो दूसरा, दूसरे को देखो तो ये, मतलब किशमिश ऊपर बैठी है तो बोरिश को भी ऊपर आना है, शमिश को तुम प्यार दोगे तो फिर बोरिश को भी चाहिए, तो मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। ठीक है, बट हैंडल करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि एक इतना सा है और एक इतना है, मतलब एक एकदम छोटा सा है, एक इतना बड़ा है, तो दोनों को हैंडल करना क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क, बट मैनेज कर रहे हैं। एंड हाँ, आज वैलेंटाइंस डे है, सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। ये लाइफ में जो भी स्पेशल पर्सन है उनके साथ ये फीलिंग अपनी शेयर ज़रूर कीजिएगा कि हाउ मच यू लव दैम। ठीक है, परसों मैं निकलूंगी अपनी फ्रेंड के बर्थडे के लिए। मे बी आज मैं शाम को थोड़ा प्लान तो कर रही हूँ कि घूमने का मन कर रहा है। बस यही अपडेट थी। काफ़ी दिन बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ सम रीजंस की वजह से। ठीक है, गांव में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, गांव से हम काफ़ी टाइम पहले ही आ चुके थे। एज यू गाइज नो, मैं काफ़ी टाइम पहले ही आ चुकी थी और गाँव में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये आप इसे पहचान गए होंगे, ये मेरा प्यारा सा बेटा बोरिश है और ये मेरी प्यारी सी बेटी किशमिश है। एंड ये दोनों अभी मेरा कचुंबर बनाने वाले थे, इधर से ये देखते पैर दबाने हैं ये मेरे ऊपर चढ़ी हुई है, देखो ये मेरे ऊपर चढ़ी हुई है। ठीक है, और अभी बोरिश भी दोनों पैर रख के मेरे ऊपर चढ़ गया था। मैं भाई क्या कर रहे हो, दबा दोगे क्या दोनों मेरे को? ये देखो इसको हाथ, मेरा बेटा, बहुत दिनों बाद मिला मैं बच्चों मेरे से। हैं बोरिश, कौन आया? दोनों भागे, दोनों दोनों भागे। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी विक्की बाहर गए हैं तो इन दोनों को देखो, दरवाजे पे दोनों आके खड़े हुए हैं। क्या हुआ बोरिश? हाँ क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहा आपको छोड़ गए आपको? इधर एक इशू। हाँ बच्चा, नहीं नहीं नहीं, आ जाओ, चलो कम कम मेरे पास आ जाओ, आ जाओ, आओ। नहीं या ऐसे ही तो फिर ये परेशान करते हैं। देखो अभी हेलमेट इस नाव में ले लिया गधे ने यार, ये छोड़ता भी नहीं है कंजर। छोड़ 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 छोड़। अरे बोरिश, लुक गाइस, यहाँ पे मेरे बहुत ही प्यारे से लड्डू गोपाल हैं, जो कि मैंने शादी के जस्ट बाद ही परचेज किए थे। मैं अपने घर के नियर बाय मार्केट में गई थी एंड वहाँ पे मुझे ये पहली नज़र पड़ते ही इतने पसंद आ गए थे कि मैं जाके बोल के आ गई थी कि भाई इनको फ्रेम कर दो अच्छे से और मेरे को इन लड्डू को अपने घर लेके जाना है। बुक करके आ गई थी उसी दिन, फ्रेम वगैरह सब डिज़ाइन। तो हाँ, फिर ये लड्डू मेरे घर आए। एंड जो दूसरी चीज़ है मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे ये लड्डू और राधा रानी, इसके पीछे भी बहुत प्यारी स्टोरी है। ये मुझे मेरे एनिवर्सरी पे मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल ने मुझे गिफ्ट किया था, जो कि सडन सरप्राइज था मेरे लिए। हम जस्ट कैंटीन में खाना खा रहे थे और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो लोग कुछ मेरे लिए लेके आए हैं, और उस दिन एनिवर्सरी थी भी नहीं, एनिवर्सरी से उन्होंने पहले ही मुझे गिफ्ट दिया था। ये मैं खाना खा रही थी आराम से इजीली, और इन लोगों ने, मतलब हम 7-8 बंदे होंगे, मैंने सडनली प्लान किया, कब किया मेरे से हट के बच के तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो सडनली इतना बड़ा ये लेके आए सीनरी, ऑब्वियसली रैप थी ये गिफ्ट पेपर में। ठीक है, तो ये रैप थी तो सडनली लेके आए और उन्होंने मुझे गिफ्ट की। मैं सरप्राइज हो गई और खुशी बहुत हुई। ऑब्वियसली सरप्राइज का एक्सप्रेशंस जो आपके आते हैं वो अलग ही आते हैं, सरप्राइज अगर आपको मिलता है सडन वो भी। ठीक है, फोर्स में कि अभी खोल के देख, अभी खोल के देख। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने इसको वहीं कैंटीन में अनरैप किया एंड देन जब मैंने देखा, भाई कान्हा जी की कसम,
तुलसी मैया की कसम, मैं रो पड़ी थी लिटरली देख के। मतलब मेरा मन, मेरा दिल भर आया था, मैं रो पड़ी थी देख के कि यार मतलब इससे बेस्ट गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता। खाना जी को लेके आए और राधा रानी के साथ, तो इससे अच्छा गिफ्ट तो मेरे लिए हो ही नहीं सकता। मैं वहीं पे रो पड़ी और सब मतलब कि हाँ हमें पता था तू देखते ही इमोशनल हो जाएगी, तो तुझे इससे अच्छा गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता था। तो इसीलिए हम सब ने मिल के यही डिसाइड किया कि मुझे बड़ी सी राधा कृष्ण की एक फ्रेम देंगे बहुत अच्छा। तो ये स्टोरी है इनके पीछे। और एक मेरा गिफ्ट ये है, यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं, बहुत प्यारी पेंटिंग है। इसमें वायर वाला सिस्टम नहीं है, सेल वाला सिस्टम है इसमें, ठीक है। तो आपको जस्ट सेल डालना है इसमें और आप पीछे से ऑन कर दो इसको, तो इसकी लाइट ऑन हो जाएगी, पीछे से ऑफ कर दोगे तो ऑफ हो जाएगी। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं कि मुझे मतलब यूँ लगता है कि हाय ऐसे वाली फीलिंग आती है कि बहुत प्यारी, बहुत सुंदर। सो अभी जस्ट प्लान बना है मेरी फ्रेंड के साथ, मैं और वो, हम दोनों जा रहे हैं एम्बियंस मॉल और पीवीआर। कोई बात नहीं, हम दोनों का टाइम है, हम दोनों काफ़ी इंजॉय करेंगे। तो हम दोनों ने प्लान किया है कि वी वेंट टू फर्स्ट मॉल एंड देन उसके बाद हम पीवीआर जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ ऐसा स्पेसिफिक प्लान नहीं है कि ये करेंगे वो करेंगे, बट हाँ मिनीसो में कुछ चीज़ें देखनी है। आई होप कि मुझे दिख जाए, मिल जाए। मैं भी रेडी हो जाती हूँ, मैंने जस्ट फेस वॉश कर लिया है। सो या गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ। सो मैं निकल चुकी हूँ मॉल के लिए, मेरे घर से तो जस्ट 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो मैं निकल चुकी हूँ और अभी कॉनिका का कॉल आ रहा, तो अभी कॉनिका का कॉल आया था, वो पहुंच चुकी है। ओनली 5 मिनट मुझे लगने वाले हैं, मैं बस पहुंच के फिर आपसे मिलाती हूँ कॉनिका को। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत प्यारी लोकेशन है। अभी मैं 2 दिन स्टे करूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो जितना हुआ, जितना मैं घूमूंगी फिरूंगी, ये मेरी आउटफिट है, तो मैं जितना भी घूमूंगी फिरूंगी मैं आपको दिखाती रहूँगी, ठीक है। किशु भी आई है हमारे साथ में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया बोरिश और किशु का तालमेल, ठीक है। तो मैं पहुँच के देन आपसे मिलती हूँ, वरना वॉक भी कर रही हूँ, शूट भी कर रही हूँ, तो मेरी सांस फूलेगी। ओके बाय। पीछे जस्ट ये गेट है हमारे कैंपस का, और ये मुझे बस ब्रिज क्रॉस करना है, देन आपको यहाँ से दिख जाएगा बोरा मॉल, एम्बियंस एंड DLF। कॉनिका को शूट करती हूँ मैं, अभी दूर से मुझे चमकेगी, तो वैसे तो उसे मैं पहले दिख जाऊंगी। सो गाइस, मैं अभी लाइफस्टाइल स्टोर के अंदर हूँ एंड अभी हम सर्च आउट कर रहे हैं, मीन्स मैं नहीं, मेरे साथ जो फ्रेंड आई है उसे थोड़ा शाय फील होता है। ऑब्वियसली काफ़ी ऐसे पर्सन हैं जो कैमरा फेस जिन्होंने कभी नहीं किया था और करना भी नहीं चाहते, तो इसलिए। तो अभी वो शॉपिंग कर रही है यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कुछ ड्रेस और सम टॉप टाइप, तो अभी उसकी शॉपिंग चल रही है, मुझे नहीं करना अभी यहाँ से शॉपिंग। तो फ्रेंड्स, मैं मिनीसो स्टोर में हूँ एंड काफ़ी क्यूट एंड प्रिटी प्रिटी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं। मुझे जो चीज़ चाहिए मैं उस पर फोकस करती हूँ, रेदर देन कि और चीज़ों पे मैं ध्यान ना दूँ, राइट। सो कर लेती हूँ मैं चेकआउट। शॉपिंग करके अब हम निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पीवीआर प्रोमिनेड, और वहाँ जाके कुछ चटर पटर खाएंगे हम लोग। वी आर एंटरिंग इन प्रोमिनेड मॉल।
मैंने मिनीसो से जो परचेज किया है उसका मैं स्पेसिफिक हॉल तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैंने परचेज नहीं की हैं। मुझे कुछ चीज़ों की अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, लाइक टिश्यूज और सम कॉटन बॉल वगैरह, सो वो मैंने ऑनलाइन परचेज किया कर लिया था। एंड यहाँ स्टोर से जो मुझे चीज़ें पसंद आई हैं, एक ग्लास की बॉटल है, ठीक है, वो इजीली मैं अपने बैग में कैरी कर सकती हूँ। एक मैंने क्या परचेज किया, हाँ, सेंटेड कैंडल मैंने परचेज की। दी अदर थिंग इज कि मैंने खुद पैम्पर करने के लिए वैलेंटाइन डे पर अपने आप को एक सॉफ्ट टॉय गिफ्ट किया है जो कि बहुत ही मुझे देखते ही पसंद आ गया। मैं बस मुझे था कि मुझे बस ये चाहिए, तो हाँ ये तीन चीज़ें मैंने परचेज किए। सो गाइस, हियर आर मील, फ्रेंच फ्राई, आलू मैक टिक्की, आलू मैक टिक्की, डोसा मसाला एंड कोक विदाउट आइस। विदाउट आइस, ग्रेट, नाइस। तो गाइस यहाँ पे वैलेंटाइन डेकोरेशन हो रखी है बहुत मस्त वाली। घर पहुंच चुकी हूँ, कॉनिका को मैंने ड्रॉप कर दिया है और अब मैं किशु को दिखाती हूँ उसका एलिफेंट। इनकी शैतानियाँ शुरू हो गई हैं। एक वो घुसी पड़ी है बगल में, गुड मॉर्निंग गाइस, तो दिस इज नेक्स्ट डे। आज मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। तो ये नाश्ते के लिए बना रही हूँ, रात के चावल बचे हुए थे तो मैंने रात भर और मटर काट के उनको नाश्ते में फ्राइड राइस हो जाएंगे। भाई हमारी किशमिश महारानी घूम रही है, जब तक उनके पापा बैठते थे तब तक बैठ पे थी, तो अब नीचे इधर उधर घूम रही है पापा के पीछे। बिल्कुल हिल के राजी नहीं हुई, देखो खींच खींच के ले जाना पड़ रहा है। अरे भाई तूने तो हद कर दी, अभी भी दरवाजे पे